अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पैशन एंड प्रोफेशन हमेशा साथ नहीं चलते। मैं जब कॉलेज में थी तो मैं फ्रेंड्स के लिए खाना बनाती थी। जरूरी नहीं है कि आप जिस पेशे में हैं वही आपका शौक हो। कई बार देखा जाता है कि विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे प्रोफेशनल का अलग अलग शौक होता है। इसी कड़ी में आज बात करेंगे कश्मीरी वकील सीरत मीर की। वकालत उनका पेशा है लेकिन खाना बनाना उनका शौक। अपने शौक की वजह से वह बेहद लोकप्रिय हो गई है और मास्टर शेफ कार्यक्रम तक पहुंची है। वह सोशल मीडिया पर खूब लोकप्रिय है और अपने स्वादिष्ट खाने की वजह से उन्हें रोजाना सैकड़ों ऑर्डर मिलते हैं। सीरत की असली जुनून मिठाई और अन्य व्यंजन बनाना है। पिछले एक साल से उन्होंने वकालत से थोड़ा हटकर अपने शौक पर ध्यान लगाया है और देखते ही देखते वह प्रसिद्धि पाने लगी है। इसी बीच क्या कुछ कह रही है सीरत मीर, आइए आपको सुनाते हैं। जी, मेरा नाम सीरत है। तो बताइए आप कहाँ से और आपकी एजुकेशन वगैरह कहाँ था? सो मैं कश्मीर से ही हूँ। मेरी एजुकेशन कश्मीर में ही रही है। मैंने यहाँ प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में पहले पढ़ा, उसके बाद मैं कॉलेज जो मैंने लॉ स्कूल ज्वाइन किया वो मैंने ओपी जिंदल दिल्ली सोनीपत से ज्वाइन किया। मैंने 5 साल वहीं पढ़ के फिर वहीं पे जॉब करने लगी। आई वॉज हियर एंड देन आई वॉज इन दिल्ली। सो आफ्टर माई लॉ कॉलेज मैंने वहाँ से पढ़ाई करने के बाद मैंने दिल्ली में ही जॉब करना शुरू किया। मैं एक इंटरनेशनल कंपनी में लीगल हेड थी, जहाँ एक इन्वेस्टिगेशन कंपनी में, जहाँ पे मैं 6-7 साल से काम कर रही थी। एंड वन फाइन डे डिसाइड किया कि बहुत हो गया, लेट्स जस्ट बी माई ओन बॉस। समबडी टोल्ड मी दैट टाइम, वुड यू वॉन्ट टू बी अ स्लेव इन हेवन और अ किंग और अ क्वीन इन हेल? सो दिस रेजोनेटेड, ये मेरे साथ चिपक गया ये थॉट। आई थॉट कि यार स्लेव इन हेवन या यू नो क्वीन इन हेल, सो आई थॉट लेट्स जस्ट बी द क्वीन इन हेल। सो आई डिसाइडेड कि मैं वापस कश्मीर आऊँ और अपने कश्मीर को सर्व करूँ। मैं एज अ कॉर्पोरेट लॉयर यहाँ शिफ्ट हुई। मेरा जो एम था कि यहाँ पे कॉर्पोरेट अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस, कॉर्पोरेट लीगल अवेयरनेस स्प्रेड करूँ। सो एज अ कॉर्पोरेट लॉयर माई एम वॉज कि टू सेव गार्ड पीपल हियर फ्रॉम प्री लिटिगेशंस, यू नो दिस इज कॉल्ड प्री लिटिगेशन मीडिएशन। तो हम मेरा ये फोकस था कि उनको कल को प्रॉब्लम ना हो तो यहाँ कॉर्पोरेट ऑफिस खोलूँ। सो कॉर्पोरेट ऑफिस खोला, यहाँ पे लोगों को केटर करना शुरू किया। देखा कि कश्मीर एक अपना होम ग्राउंड है और यहाँ पे लोकल होने का एक फायदा होता है और एक सेंस ऑफ कंटेंटमेंट अलग होती है एज कम्पेयर टू यू नो एनी वेयर एल्स इन दिस वर्ल्ड। तो ऐसे करते करते मैंने अपना लीगल प्रैक्टिस यहाँ स्टार्ट किया। बट ये एक ऐसा चीज़ था, सासी स्पून एक ऐसा चीज़ था जो पैशन था। अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पैशन एंड प्रोफेशन हमेशा साथ नहीं चलते। मेरा प्रोफेशनल एज अ लॉयर थी बट ये पैशन जो मेरा था वो वहीं पे था और वो मेरे को बचपन से था। मैं जब कॉलेज में थी तो मैं फ्रेंड्स के लिए खाना बनाती थी और उनको बोलती थी कि मैं खाना बनाऊंगी तुम मुझे नोट्स दो। मैं प्रोफेसर्स के लिए खाना बनाती थी कि प्रोफेसर्स एंजॉय कर पाए, प्रोफेसर्स वुड ऑर्डर। मैं जब कॉर्पोरेट में काम करती थी मैं अपने टीम मेट्स के लिए खाना बनाती थी, अपने बॉस के लिए खाना बनाती थी, अपने एचआर के लिए बनाती थी, या कोई इवेंट होता था वहाँ ऑफिस में दे वुड बी लाइक अच्छा सीरत तू खाना बना के ले आ। यहाँ कश्मीर में जब थी तो यहाँ फ्रेंड्स के लिए बनाती थी, नेबर्स के लिए बनाती थी, फैमिली के लिए, और दे वुड जस्ट ऑर्डर थिंग्स कि हाँ सीरत ये बना के दे, ये वो बना के दे, यू नो। मैं जैसे कश्मीर आती थी पीपल इज लाइक अच्छा अच्छा काम होता आजकल, सो लेट्स मेक दिस। सो ऐसे करते करते ये जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने रमजान में अपना एक छोटा सा पेज खोला जो एक फ्रेंड की बदौलत थी। इट वॉज नॉट इवन समथिंग आई इंटेंडेड, अ फ्रेंड ऑफ माइन पुश्ड मी टू डू इट। आई ओपन्ड दिस पेज एंड आई गॉट सम ऑर्डर्स। फर्स्ट फ्यू ऑर्डर्स गॉट अप्रिशिएटेड, लोगों ने तारीफें करनी शुरू की और वो तारीफें जैसे ही मिलने लगी ये ग्रो होते गया। मैं एक्चुअली जो बेचने के लिए या खाना ऑर्डरिंग के लिए नहीं करती हूँ, मैं खाना खिलाने के लिए बनाती हूँ। मुझे लोगों को खाना खिलाना पसंद है।